के सियासी उठापटक से हर कोई वाकिफ है। वहाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये तो सभी जानते हैं। बस क्या होने वाला है, इसके बस कयास लगाए जा सकते हैं। और कयास ऐसे लगाए गए हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाया जा सकता है। जब से चाचा शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार ने एनसीपी में ही रहते हुए शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार को अपना समर्थन दे दिया है, उसके बाद से तो कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एकनाथ शिंदे को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि ये सिर्फ कयास है, अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है, औपचारिक तौर पर किसी ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत की बदलती तस्वीर को देखकर ऐसा भविष्य में हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। लेकिन इसी बीच में एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली है, वो भी अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ। जी, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी बाकी कामों में व्यस्त हैं, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, वहीं इसी बीच में दिल्ली में मौजूद एकनाथ शिंदे ने परिवार के साथ उनसे मुलाकात की है। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के पिताजी संभाजी शिंदे, पत्नी लता शिंदे, सांसद और बेटा श्रीकांत शिंदे, बहू रूपाली शिंदे और पोता रुद्राक्ष मौजूद रहे। शुक्रवार को एकनाथ शिंदे अपने एक मित्र के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में एकनाथ शिंदे थे ही तो फिर पीएम मोदी से भी मिल लिए। पीएम मोदी से मिलने के बाद देखिए एकनाथ शिंदे क्या बोले हैं। की मुलाकात जो है एक सदिच्छा भेंट के रूप में मेरे पिताजी के साथ पूरा परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हमने की है। और सदिच्छा भेंट होने के बावजूद काफ़ी समय उन्होंने हमारे परिवार को दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस दरमियान राज्य की जो परिस्थिति है, बारिश हो रहा है, कल जो रायगढ़ में हुआ जो हादसा है उसके बारे में चर्चा हुई, बाकी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है राज्य में उसके बारे में चर्चा हुई है। और मैंने अभी अभी कहा जो धारावी के प्रकल्प के बारे में या मुंबई के जो अटके पड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बहुत ही गंभीरता से चर्चा हुई है, क्योंकि घर के बारे में लोगों को घर देना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अहम प्रकल्प है, कुछ उसे उन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है। सीएम शिंदे बता रहे हैं कि परिवार सहित जो उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है उस दौरान किस किस बारे में चर्चा हुई है। इसे एक साधारण से परिवार के साथ भेंट माना जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे एक संदेश के रूप में देख रहे हैं। उस कयास पर इसे पानी फेरना बताया जा रहा है जिसके हिसाब से तो एकनाथ शिंदे को अपना सीएम पद छोड़ना ही पड़ेगा। इसे एकनाथ शिंदे की तरफ से एक मजबूत संदेश माना गया है। पीएम मोदी से परिवार समेत मिलना लग रहा है जैसे ये ऐसे लोगों का मुंह बंद करने की प्रक्रिया भर है, जिसके हिसाब से कहा जा रहा है कि शिंदे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। फिर जब से एनसीपी चीफ शरद पवार से अलग होकर अजीत पवार भी इस गठबंधन का हिस्सा बने हैं, तब से कयास तो ये भी है कि शिंदे गुट के कुछ नेता अजीत पवार को सरकार में लाने के पक्ष में नहीं है। इस वजह से शिंदे और अजीत पवार गुट के बीच में कुछ तनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो आसानी से अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला होता। पार्टी से बगावत करने के साथ ही इस गठबंधन में शामिल हुए अजीत पवार ने उसी दिन डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, और तो और उनके साथ बगावत करके आए कई विधायकों को भी मंत्री पद सौंपा गया है। वैसे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस मुलाकात के क्या मायने समझते हैं, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।